नमस्कार दोस्तों, OCN नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज कुछ ऐसे मुद्दों की बात करेंगे जो ध्यान आकर्षित करते हैं अलग अलग कारणों से। एक मामला उत्तर प्रदेश का है, एक हिमंता बिस्वा सरमा का बयान है, धक्के मार करके इनको निकाल देंगे। किनको निकालने की बात कर रहे हैं हिमंता बिस्वा सरमा? इसके अलावा जम्मू कश्मीर में, खास तौर से श्रीनगर में और बड़गाम में शिया समुदाय से ताल्लुक रखने वाले बहुत सारे मुसलमान सड़कों पर उतरे हैं और श्रीनगर से बड़गाम से करीब 3,500 किलोमीटर दूर लेबनान के शहर बैरूत में मारे गए हिजबुल्ला प्रमुख नसरुल्ला के समर्थन में ये लोग सड़कों पर उतरे हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है, जरा ये भी समझने की कोशिश करेंगे। और एक और विषय है, विषय ये है कि अचानक दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी आतिशी मार्लेना अपने पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री और अपने बॉस अरविंद केजरीवाल की एक चिट्ठी पर अचानक इतनी संजीदा कैसे हो गई कि जब तक वो तिहाड़ में थे तब तक तो वो खुद कुछ नहीं कर रही थी अपने डिपार्टमेंट में जिसकी वो मंत्री थी, और अब अचानक एक अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी अगर उनको मिल गई है तो वो कह रही हैं कि पूरी दिल्ली की सड़कें अब हम दुरुस्त कर देंगे, क्योंकि केजरीवाल जी सड़कों पर गए थे और वहां उन्होंने देखा कि सड़कों की बहुत बुरी हालत है। ये वो मंत्री कह रही हैं जो उन सड़कों की बदहाली के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह हैं, और उन्हीं की लापरवाही से दिल्ली की सड़कों का ये हाल हुआ है, अगर हुआ है तो। सीधे जुड़ लेते हैं अनुपम मिश्रा जी के साथ, मेरे साथ प्रयागराज से जुड़ रहे हैं, तो अनुपम जी को जोड़ करके इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। तो अनुपम जी, जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश में 5 साल तक मुख्यमंत्री रहा हो, जिसे रीति नीति का भी पता हो, जिसे कानून की भी समझ हो, शासन प्रशासन कैसे चलता है ये भी जानकारी हो, क्या उसको ये पता नहीं है कि अगर बंजर भूमि पर पावर प्लांट के लिए आवंटित जमीन पर कोई कब्जा कर ले तो वो अवैध कब्जा होता है, और वो अगर 6 महीने के भीतर या 10 साल के बाद या 15 साल के बाद या 20 साल के बाद भी शासन अगर खाली कराना चाहे तो वो खाली कराने का पूरा पूरा हक रखता है, कानूनी अधिकार रखता है। तो ऐसा क्या है कि अखिलेश यादव ऐसे अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाने को क्रूरता बता रहे हैं? और केवल क्रूरता नहीं बता रहे हैं साहब, उन्होंने तो कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ करके यहां तक टिप्पणी कर दी, और मैं कहूंगा कि ये अखिलेश यादव की क्रूरता है जो वो इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि जिन्होंने अपना घर नहीं बसाया वो दूसरों के घर तोड़ करके जो है वो सुखी हैं और खुश हो रहे हैं। इस तरह की टिप्पणियां, इस तरह की बौखलाहट, क्या वजह है अखिलेश यादव इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? देखिए साहब, मामला क्या है वो भी बता दे रहा हूँ, अखिलेश यादव परेशान क्यों उस पे सेकंड्स में आता। मामला ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार को एक ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाना था, तो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर में उनको अब शासन के पास अपनी जमीन है कि साहब हमारी सरकारी जमीने कहाँ कहाँ है, तो उन्होंने कहा ये जमीन हमारी है। तो जब वहां पहुंचे तो देखा वहां 23 मकान बने हुए थे, तो वहां पे एक यादव परिवार था, वो उसने वहां पहले अपना मकान बनाया और उसके बाद उसके रिश्तेदारों ने, सिर्फ एक खानदान के मकान है 23 मकान। होता क्या है कि देखिए साहब, इस समय पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है और सरकारी जमीनों पर कब्जा चल रहा है, इसका ह्यूमन एंगल भी है, लेकिन वो जमीन जो ऊसर थी, परती, जहाँ पे खेती नहीं होती है, तो वहां पर उन्होंने बना लिया था। तो साहब जिला प्रशासन ने नोटिस दिया, फिर उस पर मुकदमा चला, फिर जिला प्रशासन से आ रहे, फिर हाईकोर्ट से आ रहे, फिर हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि इसको खाली कराओ, तो साहब वो बुलडोजर चल गया। फाइली उसके लिए भी कई बार नोटिस दिया गया,
लेकिन साहब ये होता है कि नोटिस देने के बाद भी लोग अपने घर हटाते नहीं, अपने सामान हटाते नहीं, और आते हैं तो औरतों बच्चों को आगे कर देते हैं, यही सब हर जगह होता है, वही हुआ, तो उसमें कोई नई बात नहीं है, तमाम जगह हुआ है। और बहरहाल जी माफी चाहूंगा, अपनी बात पूरी करिए। नहीं नहीं कोई बात नहीं सर, तो ये सीन वहीं का था फरुखाबाद का जो आप दिखा रहे थे, तो नोटिस वोटिस दी गई और उसके बाद भी लोगों नहीं हटे थे, फाइनली शासन ने उनको बलपूर्वक हटा दिया। थोड़ा सा एक तो लोगों को ये कंफ्यूजन है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने स्टे रखा, अब जिस तरह के सपाई जो ये क्या नाम टीपी सिंह वगैरह जिस तरह के ट्वीट कर रहे हैं, कैसा सुप्रीम कोर्ट, कहाँ का सुप्रीम कोर्ट, योगी कुछ नहीं मानते, ऐसा नहीं है भाई। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि लोगों के निजी आवास ना गिराए जाए जो उनकी अपनी जमीन पे बने, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने बड़ा क्लियर किया था कि सरकारी जमीन पे कब्जे को हम नहीं रोक रहे। अच्छा देखिए, कोर्ट कोई रोक भी नहीं सकती, अगर फर्ज करें सुप्रीम कोर्ट ये कहते कि सरकारी जमीन के कब्जे को भी ना खाली कराया जाए, तो लोग कल जीटी रोड पे मकान बना लेंगे, कल जीटी रोड पे मकान बना लेंगे ना, और सरकारी जमीन पे कब्जे, अच्छा आप सरकारी जमीन पे जब आप कब्जा करते हैं कायदे से आपको नोटिस भी नहीं दी जानी चाहिए। फर्ज कीजिए कि आप जीटी रोड पे रातों रात एक गुमटी बना ली, तो अगर आपको 3 महीने की नोटिस दी गई तो 3 महीने का क्या जीटी रोड बंद हो जाएगी क्या? अगर आपने दिल्ली एयरपोर्ट पे जाके एक गुमटी रख ली तो आपको 3 महीने की नोटिस दिया जाएगा, 3 महीने तक वो दिल्ली एयरपोर्ट रुका रहेगा? ऐसा नहीं होगा ना भाई। तो इसलिए बस वही हुआ है, बहराइच में भी हुआ है, सोमनाथ मंदिर में भी हुआ है, दिल्ली में भी हुआ है, सब जगह जहां जहां सरकारी जमीन है खाली कराई जा रही है उसका बुलडोजर से मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं। अब बात आई सुबह अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव राहुल गांधी ये क्या बोलते हैं इसमें उसका सत का कुछ, चूंकि वो यादव परिवार के थे और अखिलेश यादव का एक पूरा तरीका है कि वो यादवों के अंदर विक्टिमहुड भर रहे हैं, उनके अंदर उनको बता रहे हैं कि तुम पीड़ित हो, तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। तो हर जैसे कोई भी यादव का आपने देखा, किसी मंगेश यादव से लेके जहां तक वो पुष्पेंद्र यादव तक, झांसी से लेके मंगेश यादव सुल्तानपुर तक, यहाँ भी यादव की कोई बात आती है तो वो इस तरह करके बातें करने लगते हैं। वो यादवों को बताना चाह रहे हैं कि तुम विक्टिम हो और उनके अंदर विक्टिम उठ भर के उनको बहुत जबरदस्त रेडिकलाइज करना चाह रहे हैं और अपनी पार्टी के लिए खड़ा करना चाह रहे हैं। अभी तक किसी हद तक वो इस मामले में सफल भी रहे, परंतु मेरा मानना है कि आगे पीछे यादवों को ये बात समझ में आएगी कि साहब जो ठीक है वो ठीक है, जो गलत है वो गलत है। अभी अखिलेश यादव से अपेक्षित है या नहीं है, अखिलेश यादव तो तमाम समय ऐसी बातें करते रहते हैं, तो मठाधीशों को माफिया कह रहे हैं, मठाधीश यानी हमारे कौन मठाधीश, हमारे सबसे बड़े जो 4 मठाधीश है वो हमारे 4 शंकराचार्य हैं, तो आप उनको माफिया कह रहे हैं। आपकी देखा सीखी उसने अफजाल अंसारी ने भी कह डाला, और जब कहा था मैंने आपके शो में कहा था अफजाल अंसारी की इस बात को योगी हल्के में नहीं लेंगे, और आज आपने देखे कि भारतीय न्याय संहिता की 353 में उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई, 5 साल की सजा अफजाल अंसारी का। और सबसे बड़ी बात यह कि इसमें बड़ी बात इस तरह मानता हूं मैं कि आम तौर पे पुलिस कहती है कि साहब आपको कोई कंप्लेंट नहीं मिली, कोई कंप्लेंट करे तो हम FIR करें, इस मामले में पुलिस ने कंप्लेंट का इंतजाम नहीं किया, स्वतः संज्ञान लिया है, सेल्फ कॉग्निजेंस लिया है और खुद से FIR दर्ज की, जो कि बहुत रेयर होता है। जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री के कहने पर हुआ है, और अफजाल अंसारी में पहले भी कह रहा था कि अपनी हैसियत से ज्यादा बोल गए वो दिक्कत में आ जाएंगे। वैसे भी MP MLA कोर्ट्स में देखिए आप, देखिए जो 353 होता है, ये होता है कि आप किसी मंदिर मठ या किसी रिलीजियस प्लेस के खिलाफ ऊटपटांग झूठ बातें फैलाएं, तो वैसे भी आपके मुकदमे तो MP MLA कोर्ट में चलते हैं, 1 साल में तय हो जाते हैं, आप पहले से सजा याफ्ता हैं, आपकी सजा पे हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है, पर आपने अखिलेश यादव को देखा तो आप भी बोल दिया तड़ता तड़ता। समय आ गया है कि चाहे अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी, आपको सबके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए ना, आपको इतना नहीं बोलना चाहिए, आपको कोई हक नहीं इस तरह की बातें करके लोगों को भड़काने का। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये जो जवान से बाहर बाहर बोलने लगे हैं, जिन्होंने अपना घर नहीं बसाया वो दूसरों के घर तोड़ करके उजाड़ करके जो है, इस तरह की टिप्पणी करना, अब ये टिप्पणियां तो बार बार आ रही हैं, आपने देखा बड़े गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है योगी और मोदी, चूंकि उन्होंने कि भाई उनके साथ उनके जीवन साथी नहीं है तो उनको इस तरह करके कहा जाता है, पर सवाल ये जिन्होंने अपना घर बसाया है जरा वो तो जवाब दें। मैं तो पूछता हूं ना कि मुलायम सिंह यादव एक प्राइमरी के टीचर थे और उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी, उसके बाद इन्होंने 42 आदमी पॉलिटिक्स में उतारे अपने खानदान से, एक भी आदमी ने कभी कोई नौकरी नहीं की, कभी कोई बिजनेस की, ना लालू के परिवार में, ना गांधी परिवार में, ना मुलायम परिवार में, ना करुणानिधि के परिवार में, मतलब ये वो परिवार है जिनके पूरे खानदान में 50-50 लोग राजनीति में है, एक भी आदमी ने कभी नौकरी नहीं ली, कभी कोई बिजनेस नहीं किया, इनकी जो आय का स्रोत यानी सोर्स ऑफ रेवेन्यू सिर्फ एक रही है, विधायक की तनख्वाह और सांसद की तनख्वाह, इसके अलावा इनकी आय का स्रोत कुछ और हुआ ही नहीं। मोतीलाल नेहरू के बाद कांग्रेस में किसी नौकरी की ही नहीं, लेकिन सबके पास 1000 करोड़ रुपए, कभी कोई कुछ पूछता भी नहीं है कि साहब
आपके पास ये पैसे कहाँ से? अखिलेश यादव को बंगला देके, मुलायम सिंह यादव को बंगला देके, आपको लगता है हजारों करोड़ के बंगले कहाँ से आ रहे हैं भाई? आपने तो नौकरी भी नहीं किया, आपने तो बिजनेस भी नहीं किया, आपको कहाँ से ये पैसे आ रहे हैं? लेकिन आप देखिए, आय से अधिक संपत्ति का मामला जो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के खिलाफ दर्ज हुआ था, कांग्रेस सरकार में दर्ज हुआ था, एक प्राइवेट आदमी ने दर्ज कराया था, आप देखिए कि उस मुकदमे को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोर्ट में सीबीआई के थ्रू एफिडेविट देके वापस ले लिया और उनको पद्म विभूषण दे दिया। तो क्या कहा गया सर? और चलिए योगी आदित्यनाथ हों चाहे मोदी जी हों, चलिए उन्होंने तो एक अलग रास्ता चुना है। अगर कोई अखिलेश यादव को ये याद दिला दे कि आपके पिताजी ने तो दो दो घर बसाए। देखिए, सब चीजों का आप कोई मतलब नहीं देगा। आप देखिए, करुणा दीदी तो अपने दोनों, करुणा दीदी ने तीन शादी किया, उसमें दो दो पत्नियां एक साथ थी। वो तो मैं आपको भी फोटो दिखा दूं, अपने दोनों पैर जो धरने पे लेटते थे तो सर के पास एक पत्नी बैठी रहती थी, पैर के पास एक पत्नी बैठी रहती थी। उनके तो दोनों शादियों, तीनों शादियों के बच्चे इस समय पॉलिटिक्स में नजर आ रहे हैं, आपको अलागिरी नजर आ रहे हैं, कनीमोई नजर आ रहे हैं, स्टालिन नजर आ रहे हैं, पूरा बिटिया दिमाग, उनका तो पूरा कुनबा नजर आ रहा है। आज आपने देखा कि स्टालिन ने अपने लड़के को बाकायदा अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। अब जिस समय करुणानिधि मुख्यमंत्री थे, उन्होंने स्टालिन को डिप्टी सीएम बनाया था, फिर वो सीएम बन गए। अब स्टालिन सीएम है, उन्होंने उदयनिधि को डिप्टी सीएम बनाया, ये भी डिप्टी सीएम बन जाएंगे। वैसे भी डिप्टी सीएम तो आजकल मुख्यमंत्री सीधी माना जाता है। आपने तेजस्वी यादव को भी देखा। एक और दृश्य देखते हैं अनुपम जी, आज बड़गाम और श्रीनगर की सड़कों पर ये आलम देखने को मिला। बहुतों को गलतफहमी होगी कि कश्मीर बदल रहा है, कम से कम मुझे तो गलतफहमी नहीं है, आपको भी नहीं होगी। और ये रिश्ता क्या कहलाता है साहब? 3,500 किलोमीटर दूर है लेबनान और बेरूत श्रीनगर से, 3,500 किलोमीटर दूर एक आतंकवादी, आतंकियों का सरगना, वो अगर मारा गया है और जिसके सैकड़ों हजारों लोगों के खून से सने हुए थे, ऐसा आतंकवादी मारा गया है, तो उसके लिए सड़कों पर नारे लग रहे हैं। देखिए साहब, मैं कश्मीर गया था तो मैं उन इलाकों में गया था और ये जहाँ पे जो शिया डोमिनेटेड, मुझे पता नहीं चला था वहाँ शिया है। जब मैं वहाँ उन इलाकों में गया, मेरी गाड़ी गुजर रही थी तो मैंने देखा कि वहाँ पे आयतुल्ला खुमैनी के, पुरानी बता रहा हूँ, लंबे लंबे पोस्टर और बैनर लगे हुए थे। मैं आयतुल्ला खुमैनी के पोस्टर और बैनर यहाँ क्यों लगे हुए हैं? तो साहब पता चला कि यहाँ के शिया इलाके हैं, तो पुलवामा से लेकर श्रीनगर तक अलग अलग शिया पॉकेट्स हैं जहाँ पे कश्मीर में 20-25% शिया रहते हैं, तो ये लोग उसके लिए कर रहे हैं। लेकिन जो अब आप शिया नहीं सुन्नी को भी आप देख लें, ये जो महबूबा मुफ्ती हैं वो इल्तिजा मुफ्ती अपनी लड़की को लड़ा रही हैं चुनाव, तो इनके इलाके में भी कुछ शिया पॉकेट्स आते हैं, तो उन्होंने नसरुल्ला को शहीद डिक्लेयर कर दिया और एक दिन का ब्रेक ले लिया चुनाव प्रचार से और उन्होंने उपवास भी रख लिया वगैरह वगैरह। तो अब ये इनका अपनी राजनीति है। जहां तक नसरुल्ला का सवाल है, नसरुल्ला की बॉडी रिकवर हो गई उनका सर, और इससे ये पता चला कि नसरुल्ला के बॉडी पे एक खरोच भी नहीं था। उनके डॉक्टर्स ने ये बताया कि वो बमबाजी में नहीं मरे हैं, वो बम की धमक सुन के डर से मर गए। देखिए, वो बम के धमाके से मर गए, हार्ट अटैक हो गया, हार्ट अटैक हो गया उनको। तो आप सोचे कि जिसको ये इतना लायनाइज कर रहे हैं। इसके अलावा दुनिया के तमाम सुन्नी इलाकों में जबरदस्त इसका जश्न मनाया जा रहा है, पटाखे छूट रहे हैं, मिठाइयां बन रही हैं। और लेकिन अब भारत में एक अपना एक अलग माहौल है साहब। तो अभी तो मैं वीडियो देख रहा था, छोटी छोटी बच्चियां कह रहे थे हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा, जैसे हर घर से अफजल निकलेगा तो हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा। क्या कहा जाए सर? लेकिन साहब ये आपको अजीब नहीं लगता कि हमास जो है वो सुन्नी और ये हिजबुल्ला जो है शिया, लेकिन दोनों इसराइल के खिलाफ लड़ रहे? देखिए साहब, वो तो 72 फिरके हैं, 72 फिरके हैं। आप अभी अभी आपने 2 दिन पहले 3 दिन पहले आपने देखा पाकिस्तान में शिया सुन्नी में 1 घंटे में 50 लोग मारे गए, शिया सुन्नी क्लाश में 3 दिन पहले। उसके 1 हफ्ते पहले 50 लोग और मारे गए थे, सैकड़ों लोग घायल हुए। पाकिस्तान में तो ऐसा कोई जुमा नहीं आता जब शिया मस्जिदों में ब्लास्ट ना होता हो। अफगानिस्तान देख ले, और पूरी दुनिया में एक शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट है। सद्दाम हुसैन सुन्नी था लेकिन जो इराक की पॉपुलेशन थी वो शिया थी, अब वो भी शिया हो गए। सऊदी अरब आप देखिए, वो यमन पे बमबाजी करता है क्योंकि सऊदी अरब सुन्नी है,
यमन शिया है, सऊदी अरब ईरान के संबंध देख लिए शिया सुन्नी, वहां पे सीरिया में चले जाइए बशर शिया है, उसकी उसकी आवाम सुन्नी है। तो ये चीज आपको हर जगह नजर आ रही है, भारत में भी नजर आती है, आपको शिया सुन्नी सब नजर आएगा, अहले हदीस अहले कुरान देवबंदी बरेलवी आला सारे 72 फिरके नजर आते हैं। लेकिन एक चीज इनकी अच्छी है कि जब वो भाजपा को वोट डालना हो या फिर इसराइल का बात आए या कोई काफिर आता है तो सारे फिरके एक हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए अगले विषय पर चलते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि धक्के मार करके निकालेंगे इनको, और वो झारखंड में NRC लागू करने की वकालत भी कर रहे थे। ये एक अपने आप में बहुत चिंता का विषय है अनुपम जी। मैं तो जो झारखंड से भारतीय जनता पार्टी के बहुत तेज तर्रार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं दुबे, उनका बयान पढ़ रहा था और पार्लियामेंट के भीतर भी कहा, पार्लियामेंट के बाहर भी कहा कि झारखंड की जो डेमोग्राफी है वो बहुत ही तेज गति से बदली है, और ऐसे इलाके जहां हिंदू बाहुल्य थे वहां अब हिंदू जो हैं वो लड़ने से भी कतराने लगे हैं। तो ऐसे में NRC की वकालत करना, क्योंकि सह प्रभारी भी हैं हिमंता बिस्वा शर्मा झारखंड के, तो उनका ये कहना कि बिल्कुल NRC जो है वो लागू होनी चाहिए, और केवल झारखंड क्यों साहब, ये तो पूरे देश में अब लागू होनी चाहिए। और जिस तरह के हम तेवर देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के भी, और जिस तरह के बयान इनके बीच में आए हैं, उससे लगता है कि ये काम तो होगा और इसी कार्यकाल में होगा। देखिए अभी एक बड़ा दिलचस्प मामला सामने आया, महाराष्ट्र का मामला है। बन्ना शेख करके एक बांग्लादेशी भारत में आती है, 3-4 लोगों का परिवार होता है, वो पॉर्न फिल्म इंडस्ट्री यानी ब्लू फिल्म से काम करने लगती है और पॉर्न स्टार हो जाती है। 3 लोगों को जेल भिजवा देती है एक्सटॉर्शन ब्लैकमेल करके, मतलब 3 लोगों को एक्सटॉर्शन करती है, चौथा नहीं मानता उसको जेल भिजवा देती है, फिर लोग उसके पीछे चलते हैं और पता चलता है पूरा का पूरा परिवार यहाँ पे आया था और फर्जी आधार कार्ड लेके बन्ना शेख जो है रिया बड़े हो गए। अब ये मामला बड़ा उभर के आया है, तो ये दिखाता है कि साहब बांग्लादेश से जो लोग आएंगे या रोहिंग्या जो आएंगे उनको प्रॉपर यहाँ पे कार्ड्स मिल रहे हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं और वो पूरी तरह से भारतीय हो जा रहे हैं। तो आप शाहीन बाग में चले जाइए तो लाइन से आपको 5 हिंदुस्तानी मुसलमान मिलेगा, बाकी सब आपको रोहिंग्या मिलते हैं, बांग्लादेशी मिलते हैं, तो सब बंगाली बोलते रहते हैं। तो इसका क्या किया जाए, मतलब ये तो पूरी 2-4 लोग की बात नहीं, 5-10 करोड़ लोगों की बात हो रही है, और इस पे एक फिगर देंगे तो बड़े चौंकाने वाली फिगर्स होगी। लेकिन अभी तक कोई इतने लोगों को निकाला भी कैसे जाए, ये भी एक बड़ी समस्या है। इनको आप कैसे पहचानेंगे, आप पहचानने चलते हैं, आप जब आप NRC कराते हैं तो बहुत ज्यादा संख्या निकलती नहीं है इन लोगों की, क्योंकि सबके पास डॉक्यूमेंट आ गए हैं, सबके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं। और बन्ना शेख और रिया बर्डे का ये मामला बहुत ज्यादा जिसे कहना चाहिए रेलिवेंट है, बहुत प्रासंगिक है। ये अपने आप में एक खतरा है कि अगर आप NRC कराएं भी तो फिर इनके पास दिखाने को बहुत कुछ है। और अभी वैसे तो ये कहते हैं जहां हुआ है आपने देखा, कहां कोई पकड़ में कहां आया, बिल्कुल सही है। चलिए अगली खबर पर चलते हैं साहब। मल्लिकार्जुन खड़गे आज भाषण देते देते गिरने की स्थिति में हो गए, कमजोर हो गए, उनकी जबान लड़खड़ा गई, उनकी बॉडी काम नहीं कर रही थी, पैरों पर खड़े नहीं हो रहे थे, उनको बड़ी मुश्किल से पकड़ा सुरक्षा कर्मियों ने, कांग्रेस के नेताओं ने, लेकिन फिर भी वो कह रहे थे कि मैं अभी नहीं मरूंगा, नरेंद्र मोदी को हटा करके ही मरूंगा। बहुत बड़ी संकल्प शक्ति है इन कांग्रेसियों की, 3-3 बार हार चुके हैं और देश की जनता बिल्कुल भरोसा ही नहीं कर रही है कांग्रेस पर फिर भी उनको यकीन है कि वो मोदी को हटा करके ही प्रस्थान करेंगे। खड़गे साहब को कोई ये नहीं बताता क्या कि कोई खड़गे, कोई राहुल गांधी, कोई शरद पवार, कोई ममता बनर्जी, कोई अरविंद केजरीवाल किसी को हटा नहीं सकता है, इस देश की महान जनता ही ये तय करती है कि किसको कब तक किस पद पर रहना है। देखिए साहब 3 बातें हैं, पहली बात तो ये कि ईश्वर खड़गे साहब को लंबी आयु दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, 83 साल की उनकी उम्र है और ऐसा हुआ आज देखा गया। दूसरी बात यह है कि खड़गे साहब की
हैसियत कांग्रेस में क्या है कि वो किसी को हटाएंगे या नहीं हटाएंगे। खड़गे साहब, आपको एक वीडियो में सुप्रिया शिनेत से अपनी शिकायत करते हुए मिलते हैं कि साहब जैसे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आती है तो कांग्रेसी कार्यकर्ता हमको धक्का देकर किनारे कर देते हैं। खड़गे साहब, कभी आपको सोनिया गांधी के लिए छाता लिए खड़े मिलते हैं। खड़गे साहब, आपको कुर्सी पे सोनिया गांधी के बैठने के बाद भी हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, जब मैडम बोले तो मैं बैठूं। खड़गे साहब, जो कि सोनिया गांधी की शादी के पहले विधायक, सांसद, मंत्री सब हो चुके थे, इतने पहले राजनीति पे आए थे, वहां जोड़ के कहते हैं मैं आज जो कुछ हूँ सोनिया अम्मा की बदौलत हूँ। मैं बार बार कहता हूँ कि ये तमाम लोग जो अपनी बातें करते हैं ये जनता की तरफ नहीं है, ये जनता से मुखातिब नहीं है, जनता को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, ये हमको हमसे आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं गांधी परिवार से, चाहे फिर सुप्रिया शिनेत हो, पवन खेड़ा हो, जयराम रमेश हो, मेरे वेणुगोपाल हो, खड़गे हो, ये सब लोग हमसे आपसे बात नहीं कर रहे हैं, भारत की जनता से मुखातिब नहीं है, भारत की जनता से बात नहीं कर रहे हैं, ये उन लोगों से बात कर रहे हैं जिनकी कृपा पात्र होके वो यहाँ पे इस सीट पर बैठे हुए हैं। खड़गे साहब कितना ज्यादा बेइज्जत होते हैं, उनका अपना वीडियो में उनका रोना आया कि साहब हमें बड़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ा है, मेरी समझ के बाहर है। साहब 83 साल आपकी उम्र है, आपका लड़का मंत्री है, आपका दामाद सांसद है, आप अरबों खरबों की संपत्ति है, दौलत है, आपके खिलाफ भ्रष्टाचार के मुकदमे भी होने शुरू हो गए हैं। अरे भाई रिटायरमेंट ले लो, इसमें ऐसी कौन सी बात है। तो ऐसा ईश्वर उनको लंबी आयु दे। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी, आप जुड़े और ओसियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकाला और कई मुद्दों पर चर्चा की आपने। थैंक यू सो मच। नमस्कार।